नोएडा की बात करेंगे जहां पर गौरव चंदेल हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस की किरकिरी हो रही है। एक भी कातिल अब तक पकड़ा नहीं गया है। अब सरकार पुलिस सिस्टम में बदलाव करके हालात दुरुस्त करने की कोशिश में है। उनके साथ रहेंगे और ये किया गया है कि वहां पर भी एक अधिकारी महिला पुलिस अधिकारी जो केवल महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने समय पर इन सभी महिलाओं से संबंधित अपराधों की विवेचना करने उनके प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाने और महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टि से वहां पर तैनात होगी और एक पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी केवल ट्रैफिक की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए इन क्षेत्रों में तैनात होंगे। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भी हम लोगों ने तय किया है कि वहां पर पुलिस आयुक्त प्रणाली में कुछ नए थाने बनाने की आवश्यकता महसूस होगी और उसके लिए भी दो नए थाने तात्कालिक रूप से वहां पर भी बनाए जा रहे हैं और ये कार्रवाई वहां पर आगे बढ़ चुकी है। इस व्यवस्था में पुलिस आयुक्त प्रणाली में एक पूरी टीम वर्क पुलिस की काम करती है जिसमें पुलिस कमिश्नर के पास कुछ मिनिस्टेरियल पावर दिए जाते हैं जिससे वह एक प्रभावी और स्मार्ट पुलिसिंग को आगे बढ़ा सके और यह प्रणाली लागू करने के साथ उन्हें 15 ऐसे अधिकार भी उन्हें दिए जा रहे हैं जिनका विस्तृत ब्यौरा हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। ये उनको ये पावर डेलीगेट होंगे, उसके बाद वे इस बात के लिए अधिकृत तो होंगे कि कौन से अधिकारी को उनके अधीन करने वाले कौन से अधिकारी को कौन से पावर उनको डेलीगेट करने हैं। पुलिस आयुक्त तो स्वयं ही वहाँ पर तय करेंगे। ये कार्य मुख्य रूप से आज का ये पुलिस सुधार पुलिस उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस व्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ये दिन है। मैं विश्वास करता हूं कि ये पुलिस आयुक्त की प्रणाली उत्तर प्रदेश के अंदर इन दो शहरों में प्रभावी ढंग से सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और बेहतर परिणाम देकर के आम जन के विश्वास को हासिल करने में सफल होगा। मुझे यही जानकारी आप सबको यहाँ पर देनी थी और इसीलिए मैं विशेष रूप से आपके बीच में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, हमने अभी इसको लागू किया है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और उत्तर प्रदेश के हित में उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे सरकार उस प्रकार के कदम उठाने में कभी पीछे नहीं हटेगी। पुलिस व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो प्रस्ताव है उस पर मोहर लग गई है, इसके बाद पुलिस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा। साथ ही ये भी आपको बता दें कि आज से कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। इस फैसले पर मोहर लगने के बाद जिस पर काफी लंबे वक्त से विचार चल रहा था, पिछले 50 वर्षों से बेहतर पुलिसिंग के लिए, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए, कानून व्यवस्था के सुदृढ़ और सुरक्षा की बेहतर स्थिति के लिए जो एक मांग उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही थी पुलिस आयुक्त तो प्रणाली की, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारी कैबिनेट ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात नोएडा, इन दोनों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का अभी यह प्रस्ताव पास किया है। तो नोएडा और लखनऊ में कमिश्नर सिस्टम अब लागू हो गया, जिसकी जानकारी यहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे थे। एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।